हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खुश हैं। और जी, ये वीडियो जो है वो वेनेसडे मॉर्निंग से लेकर फ्राइडे नाइट तक का था। रिकॉर्ड तो मैंने कर लिया था, लेकिन फिर बीच में आ गया 14 अगस्त, और 14 अगस्त वाली वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की थी, तो मुझे लगा वो पहले जानी चाहिए, इसलिए मैंने इसे होल्ड कर लिया था कि 14 अगस्त के बाद जो है मैं इसे अपलोड कर दूंगी। तो बस फिर मैंने इसे एडिट करके जो है वो सोचा कि अपलोड कर दूं। तो जी, ये मॉर्निंग हो चुकी है, फैजान ऑफिस जा चुके हैं और बच्चे यहाँ पर जो है वो क्या नाश्ता करना है वो डिसाइड कर रहे थे कि इन्हें क्या दिया जाए, ये लोग क्या खाएंगे। तो डिसाइड ये हुआ कि इन्हें खाना है ओट्स। किसवा ने भी हामी भर ली थी ओट्स खाने की। तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी, इनके लिए मैंने ओट्स चढ़ाया बनाने के लिए, और मैंने जो है वही पराठा बनाया था अपने लिए बेसन का। वेनेसडे जिस दिन मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, ये बिल्कुल उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की थी, जो लास्ट वीडियो थी। खैर, यहाँ पर मैंने उनके ओट्स में डालना था एप्पल और हनी ड्रिजल करना था। खाली ओट्स इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, मैंगो हो, एप्पल हो, बनाना हो, कोई भी बेरीज हो, मैं कुछ भी होता है वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। शुगर मैं बिल्कुल नहीं डालती, या बिल्कुल थोड़ी सी डालती हूँ, अगर हनी हो तो शुगर नहीं डालती। तो यहाँ पर मैंने इनको एप्पल खूब सारा डाल के और हनी ड्रिजल करके दिया था, लेकिन ये भी इन्होंने बचा दिया था, एप्पल एप्पल खा लिया था और सारा ओट्स थोड़ा बहुत बचा ही दिया था। यहाँ पर बस मैं ले आई थी रेडी करके, और ये दोनों बैठ गई थी अपना नाश्ता करने के लिए, और मैंने भी अपना नाश्ता बना लिया था। नाश्ता खाना एक साथ ही हो रहा था क्योंकि थोड़ा लेट ही हो गया था ये। तो मैंने अपने लिए पराठा बनाया था, और वही चटनी और रायते के साथ मैं जो हूँ पराठा खा रही थी। और जी, यहाँ पर रूम क्लीन अप हो चुका है, सब डन हो गया है, बच्चे भी रेडी हैं। मैं ज़रा सा जा रही थी बराबर में, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, 2 से 3 दफ़ा मैंने मैसेज भी किया कि मैं आ रही हूँ, लेकिन फिर मैं नहीं गई। तो बस मैंने आज सोचा कि चलो थोड़ी देर होकर ही आ जाते हैं, तो बस आएंगे और फिर चलो चलो बेटा। और जी, बस थोड़ी देर बैठकर, आधा घंटा बैठकर जो है मैं वापस आ गई थी। आयरा सुबह की उठी हुई थी तो उसे नींद आ रही थी, वो वहीं सो गई थी। तो बस आकर आयरा सो चुकी थी, और उसके बाद का फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, थर्सडे मॉर्निंग आई गेस, हाँ थर्सडे मॉर्निंग थी। और फैजान का नाश्ता मैंने बना लिया था, उनको मैंने उठा दिया था, और ये साथ में जब वो जा रहे होते तो मैं थोड़ी सी चाय लेती हूँ चाय के साथ, या तो वो पराठा अगर बचाते हैं तो वो थोड़ा सा ले लेती हूँ, या तो फिर मैं बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ। यही मेरा ओवरऑल नाश्ता होता है। नाश्ता ऐसे सच में कुछ खास करती नहीं हूँ, खाया नहीं जाता मुझसे सुबह सुबह। खैर, मैंने यहाँ चाय निकाल ली थी, और फैजान जो है वो नाश्ता वगैरह करके जा चुके थे, और बच्चे यहाँ पर खा रहे थे आज सीरियल्स। तो उन्हें सीरियल खाना था, वही हनी ड्रिजल करके मैंने थोड़ा सा उन्हें सीरियल दिया था। यहाँ पे वो दोनों सीरियल खा रही थी और मुझसे बातें कर रही थी, प्लान कर रही थी शाम का थोड़ा सा कुछ के क्या करना है आज, क्या मैंने समझा रही थी कि जल्दी जल्दी से खा लो और फिर थोड़े पढ़ने भी बैठो। जी, ये टाइम हो रहा है तकरीबन, व्हाट्स द टाइम किसवा? 3 बज रहे हैं शायद, और जो है बच्चे खाना वाना खा चुके हैं, तो मैं मैंगो काट के ले आई। आयरा जो है ना बहुत चलाकी करती है, अभी बस मैं ये मैंगो कट करी थी, इससे देख लिया, और खाने के बाद आके कह रही अम्मा व्हाट इज द डिजर्ट नाउ, मैंने कहा अच्छा तुमने देख लिया। और जी, ये डायरेक्टली आ गई है फ्राइडे की इवनिंग। फ्राइडे की इवनिंग थी ये, और शाम का टाइम था, बिल्कुल शाम, क्या
असर के बाद का ही टाइम था, बल्कि मगरिब की अजानें हो रही थी इस वक्त और हम निकले थे। तो बाहर हम पहले गए चाय पीने और पकोड़े खाने, यहाँ गए थे। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी जो है वो ड्राइव करके हम चले गए थे पेशावर। काफ़ी टाइम से प्लान करी थी मैं वहाँ चक्कर लगाने का और इस पेशावर से काफ़ी अच्छी मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। जब मैं नई नई शिफ्ट हुई थी यहाँ पर और मैंने अपना घर सेट किया था, तो मैंने किचन से और घर से रिलेटेड काफ़ी सारी, किचन से तो ऑलमोस्ट सारी रिलेटेड एसेसरीज जो है वो मैंने यहीं से ली थी, सारे बॉक्सेस वगैरह ऑर्गेनाइजर्स वगैरह। तो मुझे पेशावर अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले तो हम यहाँ गए थे जूस पीने के लिए, फ्रेश जूस पी के बस फिर हम घर चले गए थे। और जी ये हो रहा है आजकल कराची का हाल, बहुत बारिश हो रही है पाकिस्तान में। ये वीडियो मुझे मेरी भतीजी ने बना के भेजी थी, तो मुझे मुझे हैरत हो रही थी कि ये हमारे घर से व्यू था मेरे ससुराल से। तो खैर ये फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, इसके साथ मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पे। प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे ताकि जो है मैं चैनल को ग्रो कर सकूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।